हैं, डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई, आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं ना सर? यस सर, बहुत चिंतित हैं सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। यस सर, ऐसा नहीं। टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा, और उसमें भी 1,00,000 के आसपास की चर्चा हो सकती है। आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आप आते हैं ना सारे क्लास में? यस सर। मैडम इन लोगों की अटेंडेंस सच में 100% है? आप लोग का हम लोग आप लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं। यस सर। आपको एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि तुम क्लास में आओ? हम जब आए थे तो 50% ही एवरेज अटेंडेंस होती थी आप लोगों के, पता नहीं आपके यहाँ क्या थी, लेकिन जनरल हम डायट में पूछते थे तो कहीं 40% डीएलएड की हाजिरी थी, कहीं 50%। अभी ये 100% हो गए तो बड़ी खुशी की बात है। ये जीवन भर रखना है आपने 100%। अच्छा, सुबह आप जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने? यस सर। क्यों भेजते हैं हम लोग सुबह स्कूल में, रोज क्यों भेजते हैं? आदत डालने के लिए, कि स्कूल जाने की आदत डालो और देख लो भाई हमारा स्कूल कहाँ है, किस हालत में, जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक। अब आपके चलते हम हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते, तो गांव में अगर आबादी रह रही तो गांव में स्कूल खुलेगा। जैसे हैं रोड, जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गांवों में रोड बन चुके, तो 4% छोटा होगा तो वो भी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए, इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं आपने अपना करियर शिक्षक में चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों को आप देखिए और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में, और स्कूल देख लीजिए, यही आपका जीवन बीतना है इन्हीं बच्चों के बीच। और हम कह चुके हैं इससे अच्छा प्रोफेशन, इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन दूसरा नहीं है। ठीक से पढ़ाइएगा तो गांव में अभिभावक और बच्चे दोनों से बड़ा सम्मान मिलता है। और आप डीएन साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने काफी पैसे दे रखे हैं, हर जिले में 1,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसी साल सैंक्शन किया है स्कूलों के रिपेयर के लिए, जिसमें किशनगंज को भी 20 करोड़ के करीब मिला है, और ये पैसे उनको मार्च के पहले ही खर्च करने हैं, काफी खर्च कर चुके हैं डीएन साहब। तो आपके स्कूलों में कई जगह कुछ कहीं किसी स्कूल में रंगाई पुताई कुछ काम शुरू हुआ है किसी स्कूल में? जी सर, जी सर, हो गया है, सभी स्कूलों में शुरू हो गया, वेरी गुड, तेजी से काम शुरू हो रहा है, रंगाई पुताई, टॉयलेट्स और गर्ल्स टॉयलेट्स। मैं हम जिले में बहुत ध्यान देते हैं कि छात्राओं के लिए टॉयलेट जरूर बनने चाहिए, और ये इसका हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बेंच डेस्क का भी बोल दिया है, आपके यहाँ किशनगंज में भी कहाँ डीओ साहब बेंच डेस्क, और अररिया में आप अररिया कटिहार से है ना, बेंच डेस्क पहुंचने आ गई है? किसी किसी स्कूल में गर्मी शुरू हो गई है। हमने कहा है कि 1 अप्रैल से इस राज्य में कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, तो 900 करोड़ रुपए सरकार ने